हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मार्केट के ऊपर, क्योंकि आज मार्केट में फर्स्ट हाफ में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। स्पेशली ऑलमोस्ट जो है पोर्टफोलियो में एक अच्छा डेंट देखने को मिला होगा। उसके पीछे का क्या वजह है और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है जो निफ्टी पॉजिटिव था फिर भी हम लोगों के पोर्टफोलियो में गिरावट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के ऊपर भी और नियोजन केमिकल शेयर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एक बड़ा टारगेट प्राइस आया है 4500 का, तो चलिए उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। तो वीडियो को ध्यान से आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। और इन केस अगर अभी तक आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, साथ ही साथ अगर आप ट्विटर पे अवेलेबल हैं तो ट्विटर पे भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्विटर हो टेलीग्राम हो, दोनों ही जगह लगातार हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है स्टॉक से रिलेटेड, साथ ही साथ कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है, कहीं पे ब्रेकआउट जोन रिटेस्ट हो रहा है, कहीं पे रेसिस्टेंस आपको ब्रेक हो रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है, सभी चीजें हम लोग लगातार रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपको एक गाइडेंस मिलता रहे। सारा डिटेल अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे। इनकेस अगर फिर भी आपको समय नहीं है तो आप प्रीमियम ग्रुप को भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप का भी सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और इनकेस अगर कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग, सबसे पहले गिरावट हम लोगों को पोर्टफोलियो में क्यों देखने को मिला। तो पोर्टफोलियो में गिरावट आपको देखने को मिला क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें या फिर मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जो स्टॉक्स रहता है वो आपको या तो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप सेगमेंट से रहता है, लार्ज कैप के बहुत कमी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं। क्योंकि उसके पीछे दो वजह है, एक तो स्टॉक प्राइस ज्यादा होता है तो जितने भी इनिशियल न्यू कमर होते हैं या फिर आपको धीरे धीरे लर्निंग फेज में होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां पे स्टॉक प्राइस भी नीचे होता है, फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होता है, लार्ज कैप में फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है रिस्क भी ज्यादा होता है बट रिवॉर्ड भी यहाँ पे ज्यादा मिलता है, इसलिए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो है यहीं पे आपको इंटरेस्टेड रहते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, निफ्टी मॉर्निंग गैप अप ओपन हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप दोनों में ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और लगातार जो है आपको गिरावट देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप की अगर बात करेंगे, इंट्राडे में निफ्टी मिड कैप ने अपना लो लगाया 58,352 का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग हुआ है 59,435 पे, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 1,100 पॉइंट यानी कि 1,100 पॉइंट का रिकवरी नीचे के लेवल से निफ्टी मिड कैप में देखने को मिला। और यही वजह है बहुत से लोगों को जो है इस लो पे, यहाँ पे जब निफ्टी आपको मिड कैप लो लगा रहा था, एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप भी लो लगा रहा था, यहाँ पे बहुत से लोगों को जो है आपको पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर करंटली बात करेंगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, तो निफ्टी मिड कैप की अगर बात करेंगे एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, ऊपर के लेवल से हम लोगों को फर्दर गिरावट निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का वजह क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा तेजी हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे निफ्टी मिड कैप ने पुल बैक लिया, वापस से एक अगेन हाई लगाया बट अगेन यहाँ पे अभी पुल बैक ले रहा है। आज जो फॉल हुआ है, इस फॉल में आपको ये लो अभी तक डिफेंड है, 58,000 का जो लो है, इनफैक्ट अगर इस लो की बात करेंगे 57,791 का है, जब तक ये लो ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक हम लोगों को नीचे की साइड में 57,000 तक का जो है गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी है, या तो निफ्टी मिड कैप जो है वो आपको इसी रेंज में कंसोलिडेट कर जाए, यहाँ पे थोड़ा और समय आपको निकाल दे और उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड मूव करे और फिर जो है आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे,
लेकिन अगर यहाँ पे ये लो ब्रेकडाउन होता है तो फिर जो है आपको लोअर चैनल को सपोर्ट लेने के लिए या फिर लोअर चैनल को टेस्ट करने के लिए निफ्टी मिड कैप जा सकता है। तो क्लियरली जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। अगर वीक स्टॉक में है उनमें अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। स्ट्रांग स्टॉक अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप उसके साथ बने रहिए। इस गिरावट में वहां पे भी गिरावट आएगा, बट जब मार्केट में रिकवरी आएगा तो स्ट्रांग स्टॉक में ज्यादा जल्दी रिकवरी आएगा। निफ्टी अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप भी आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। जुलाई मंथ से ही लगातार जो है निफ्टी स्मॉल कैप भी एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप के लिए जो इमीडिएट आपको सपोर्ट है, ये सपोर्ट है 18,900 के लेवल पे। आज जो लो लगाया है वो लगाया है 18,885 का, और इससे पहले का जो लो था वो था 18,897 का। यानी कि अगर 18,900 के नीचे निफ्टी स्मॉल कैप सस्टेन कर जाता है तो फिर और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है और निफ्टी स्मॉल कैप भी अपने लोअर चैनल को हिट करने के लिए जा सकता है। लेकिन सपोज अगर यहाँ पे गिरावट नहीं होता है तो हम लोगों को थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी स्मॉल कैप जो है आपको यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद जब चैनल पैटर्न यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो क्लियरली अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं तो बने रहिए, चाहे तो अगर फंडामेंटली वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप नीचे के लेवल पर वहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। फंडामेंटल परफॉर्मेंस कर जो है आप क्वार्टरली रिजल्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, FIIDI की बाइंग से चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और इनकेस अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर चाहते हैं एनालिसिस हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुआ इस स्टॉक का, उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन यहां पे गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। जितने भी लोगों को IPO में मिला या फिर लिस्टिंग होने के साथ उन्होंने बाई किया वो तो अभी भी प्रॉफिट में है या फिर उन्होंने ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे दिक्कत उनके साथ आ रहा है जिन्होंने आपको नेक्स्ट डे ओपनिंग पे लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग था और वो ऑलरेडी एक अच्छे लॉस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए कभी भी अगर लिस्टिंग इतने जबरदस्त तरीके से होता है तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो रेंज है वो आपको लिस्टिंग डे का लो है जो कि 146 का है और ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई जो कि 188 का है। स्टॉक इस रेंज में थोड़ा समय निकाल सकता है तो यहाँ पे इमीडिएट आपको बाइंग नहीं करना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वेट कीजिए। अगर स्टॉक और नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है नीचे के लेवल पे, तो फिर यहाँ पे हम लोग इस लेवल पे स्टॉक को बाई करने के लिए देख सकते हैं। ऑलरेडी अगर अच्छे गेन में है तो पार्शियल चाहे तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, नियोजन केमिकल। स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला है, स्पेशली लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 41% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के पीछे का वजह क्या है, तो यहाँ पे इस तेजी के पीछे का वजह है जो आपको कंपनी के ऊपर एवेंडस स्पार्क जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है उसके द्वारा बाय रेटिंग इनिशिएट किया गया है। और इससे भी जबरदस्त बात यह है, जो ये बाय रेटिंग आपको तब इनिशिएट किया गया है जब कंपनी ने यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है नेक्स्ट 12 मंथ में 3600 का। यहाँ पे अगर बात करेंगे अभी स्टॉक 2174 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम स्टार्ट हुआ था 1500 के लेवल पे, यानी कि 2100 पॉइंट का अगर विद इन वन ईयर का यहाँ पे आपको रैली शो कर सकता है स्टॉक, मोर देन 100% का रिटर्न, तो हर कोई यहाँ पे बाई करने के लिए चाहेगा। और विद इन 3 ईयर जो इनका टारगेट है वो है 4500 का, और यही वजह है जो स्टॉक में हम लोगों को लगातार जो है एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। नियोजन केमिकल की अगर हम लोग टेक्निकली बात करेंगे, कल वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है, स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो यहाँ पे स्टॉक प्रीवियस 3 ईयर से कंसोलिडेट कर रहा था, ये कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो चुका है।
तो एक मैसिव वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेशन रेंज 3 ईयर का ब्रेकआउट हुआ है, एक शानदार तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को मिल सकता है। कभी भी अगर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट हो जाता है आपको ये डेप्थ। यहाँ पे जो चैनल पैटर्न है ये है आपको 800 का, यानी कि 800 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन जोन है। ब्रेकआउट लेवल है 1900, यहाँ की इजीली 2700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, एक स्मॉल करेक्शन होगा, उसके बाद आप इस स्टॉक को बाई करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।